और अगर आप डॉकी रिवर के पास जाते हैं तो डॉकी रिवर के पास कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे आपको कैंप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। पर आप यहाँ से देखने से शायद अंदाज़ा लगा पाएंगे और कितनी ज़्यादा क्लीन रिवर दिखाई दे रही है अभी आपको। हेलो मायस किचन, आज क्या बन रहा है? पानी बहुत ठंडा है, फरवरी का मंथ है। वैसे कहने को ये एक क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द एशिया है, पर यहाँ पे फिर भी मतलब कई लोग यहाँ पे गंद वगैरह फेंक के चले जाते हैं। सो गाइज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो सीरीज में। सो गाइज, अभी मैं हूँ मेघालय के डॉकी रिवर के पास। तो अब हम बांग्लादेश से यहाँ पहुँच गए थे डॉकी रिवर में, तो आज का दिन हम यहीं पे स्टे करेंगे। अभी मेरे साथ दो भाई और हैं, उत्तम भाई, रफ़ी भाई, तो वो दोनों भी यहाँ पे बैठ कर मज़े कर रहे हैं। तो रिवर साइड बैठ के हम तीनों भी मज़े कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम एक अपना इस टाइप का टेंट लेंगे, और टेंट लेके हम फिर यहीं पे आज रात को स्टे करने वाले। तो आज की रात रहेगी रिवर साइड कैंपिंग। तो आज देखते हैं कैसा एडवेंचर रहने वाला आज का, आज की रात। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है डॉकी रिवर का इवनिंग के टाइम पे, तो भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे भी कैंपिंग हो रही है, और ये ऊपर सस्पेंशन ब्रिज है। कुछ इस तरीके के कैंप होते हैं यहाँ पे, तो इस कैंप में आज हम स्टे करेंगे। तो उत्तम भाई, कैसा लग रहा है आपको बांग्लादेश से यहाँ इंडिया में आके? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मेघालय कैसा लग रहा है? मैं तो पहले भी आया था, और अब आके ये इस साइड पे नहीं आया। पिछले बार तो शिलोंग गए थे, इस साइड पे ये आए आकर। डॉकी रिवर पहले गए थे आप? डॉकी रिवर में गए थे हम। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। रफ़ी भाई, आपके टू वर्ड्स फॉर दिस प्लेस? पीसफुल प्लेस। ओके, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ दोस्तों के साथ यहाँ पे चिल करने में। तो बाकी जो भी चिल होगा मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस, ये वाला 3 people sharing वाला टेंट है, तो ये वाला हम लोग ले रहे हैं 3 लोग। अभी हमें इसका प्राइस पड़ रहा है 1200 फॉर 3 person, मतलब 400 पर हेड हो जाए ना। सो मच पेस from the company on itself ho jabe na digger loan ho jabe this is your digger loan thanda to if you take it then I will arrange okay I'll put pillow blanket cover just put everything okay to ye wala camp abhi arrange hua hai 1200 rupees mein 3 log तो 3 लोग काफ़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये डीकैथलॉन वाला कैंप है। तो यहाँ पे 3 लोग इसमें मतलब लिखा हुआ है कि 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो हम 3 लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेघालय। सो सुबह हो चुकी है, तो ये था अपना टेंट। अंदर रफी भाई आराम से आराम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो विंड और सन सब मिला के, पहाड़ उस तरफ ज़्यादा वाइल्ड है। यस, उस साइड ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है जो वो लोग हैं। और उस तरफ का पेड़ भी बहुत ही वाइल्ड है। सुबह कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये ऊपर सस्पेंशन ब्रिज है। तो रात को काफ़ी मज़ा आया। रात को यहाँ पे बॉन फायर करी थी हम लोगों ने, पर बॉन फायर का मतलब हमने वीडियो नहीं बनाया इस जगह पे, फिर हमने मिट्टी डाल दी इसके ऊपर, और यहाँ पे अपने कुछ दोस्त लोग रह रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया रात को भी, और अब सुबह देखते हैं। अब आज सुबह खाना कहाँ पर खाना है और नहाना कहाँ पर है। मोस्टली अब प्रेफर करेंगे कि डॉकी ये वाली जो रिवर है, इस वाली रिवर के वहाँ पे पीछे वाली साइड जाके वहाँ पे नहाएं। और यहाँ पे वैसे लाइफ जैकेट मिलती है, अगर आपको लाइफ जैकेट चाहिए तो वहाँ से लाइफ जैकेट मिल सकती है, और आपको बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ बोट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी बोट्स हैं। यहाँ पे बोट्स, कायाकिंग और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। अगर आपको यहाँ पर करनी है ये वाली एक्टिविटीज़ तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार रिवर का पानी दिखाता हूँ कि रिवर का पानी कितना ज़्यादा साफ़ है। ये एशियाज़ क्लीनेस्ट रिवर कहलाती है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा क्लियर है। जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं इस जगह को डॉकी रिवर नहीं बोलते, इस जगह का दूसरा नाम है। अगर आप डॉकी रिवर के पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, पर यहाँ पे इस जगह के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होता है। स्नोमडेंग स्नोमडेंग
तो इस जगह का नाम है स्नोमडेंग, और स्नोमडेंग में काफ़ी कम लोग आते हैं, आपको काफ़ी भीड़ कम देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे टेंट की अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी, और आप यहाँ पे आराम से आके यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। और अगर आप डॉकी रिवर के पास जाते हैं तो डॉकी रिवर के पास कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे आपको कैंप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्नोमडेंग आए और यहाँ पे आके आप अपना कैंप लें, और कैंप भी यहाँ पे सस्ता पड़ता है, सिर्फ 1200 का हमें एक कैंप मिला है, और अगर डॉकी रिवर में लेते तो वहाँ पे 2000 या फिर 2500 के आसपास का मिलता। और जो ये वाला कैंप होता है, इस वाला कैंप में 3 लोग आराम से रह सकते हैं, तो हम 3 लोग भी इसी कैंप में रहे थे। और यहाँ पे और भी काफ़ी लोग यहाँ पे कैंप करें, इधर पीछे यहाँ पे कल रात को ये लोग पार्टी कर रहे थे। मैं आप लोगों को ये ऊपर एक बार सस्पेंशन ब्रिज दिखा के लाता हूँ, क्योंकि ये बहुत एडवेंचरस सा सस्पेंशन ब्रिज है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हिलता है। एक बार मैं आपको चल के दिखाता हूँ। बाकी ये सारी बोट्स है जिसमें आप बोटिंग और कायकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर रिवर साइड में आपको काफ़ी सारे कैफेज़ वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से खाना वगैरह खाना चाहते हो तो खाना वगैरह खा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लगभग 180 की आपको वेज प्लेट मिल जाती है, और 250 की नॉन वेज प्लेट मिल जाती है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैंप तो आपको मिल जाएगा, पर आप टॉयलेट वगैरह कैसे करेंगे? तो टॉयलेट के लिए यहाँ पर ये टॉयलेट्स हैं, जिसमें आपको 10 रुपीज़ पर हेड देना पड़ेगा, मतलब सुबह सुबह आपको एक बार 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। और आपको जब भी टॉयलेट जाना है तो हर बार 10 रुपीज़। तो ये वाला है सस्पेंशन ब्रिज, जिस पे यहाँ पे कॉशन लिखी हुई है, 15% से ज़्यादा इस ब्रिज पे एक बार में नहीं जाएं, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ ये ब्रिज कितना ज़्यादा हिलता है। ये GoPro में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होती है, तो इस वजह से आपको नहीं पता चलेगा कि ये ब्रिज कितना ज़्यादा हिल रहा है। बाकी अभी आप सामने देख सकते होंगे इसकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा है, और इसके ऊपर से आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो वहाँ नीचे हमारा कैंप। तो अब मैं आपको यहाँ ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, और काफ़ी अच्छा सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। कुछ कैंपिंग्स वहाँ पे भी हैं और कुछ कैंप यहाँ पे भी हैं। वहाँ के जो कैंप है वो ज़्यादा महंगे हैं, और वो वाले ज़्यादा थोड़े से अच्छे हैं। अभी इस ब्रिज पे मैं अकेला ही हूँ, अभी और कोई भी नहीं है इस ब्रिज पे, और इस ब्रिज पे मतलब हवा के चलने की वजह से भी ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। उसका आइडिया तो मुझे नहीं है कि कितने हाइट पे ये, पर आप यहाँ से देखने से शायद अंदाज़ा लगा पाएंगे। और कितनी ज़्यादा क्लीन रिवर दिखाई दे रही है अभी आपको, यहाँ ऊपर से इतनी ज़्यादा क्लीन रिवर दिखाई दे रही है, तभी इस रिवर को बोलते हैं एशिया क्लीनेस्ट रिवर। और अभी फरवरी का मंथ है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रिवर का फ्लो है, मतलब जो रिवर में पानी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सा पानी है। पर अगर आप जून के महीने में या फिर आप अप्रैल के महीने में आते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर इस रिवर में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अभी आपको सामने जो पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर सारे कवर हो जाते हैं तब, और पानी बिल्कुल एंड तक पहुंच जाता है। जो ब्रिज का ये है, ये कितने पतले उससे बना हुआ है, मतलब चलते तो कितनी आवाज़ आती है। और इस जगह पे लिखा हुआ है सेल्फी डेंजर जोन, मतलब यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हुए मतलब डेंजर में आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो मायस किचन, आज क्या बन रहा है? चिकन है, सब्जी है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की डिटेल्स वगैरह लिख रखी है। यहाँ पे बोटिंग का 600 है, कायाकिंग का 500, और स्नॉकलिंग, क्लिफ जंपिंग, स्कूबा डाइविंग और जिप लाइनिंग भी होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और सामने ही लाइफ जैकेट वगैरह भी पड़ी हुई है, अगर आपको लाइफ जैकेट चाहिए तो। तो ब्रश को गीला करने के लिए यहीं से पानी ले लेते हैं, ब्रश इधर से गीला हो जाएगा।
क्लीन क्लीन पानी से मुंह धो के मजा आ गया। मैगी प्लीज। कैफेज में मैक्सिमम ऐसा होता है कि बिल्लियाँ होती हैं, इस कैफे में भी बिल्ली है। बिल्ली से डर लगता है क्या? पसंद नहीं है मुझे। पसंद नहीं है। इस साइड पे नहा सकते हैं क्या? इस साइड पे नहा सकते हैं? मुझे नहीं। बाथ बाथ कैन आई टेक द बाथ देयर? बाथ स्विमिंग स्विमिंग ओके ओके हेलो। सो गाइस भाइयों को पीछे छोड़ के मैं यहाँ पे चला आया हूँ स्विमिंग करने के लिए। मतलब स्विमिंग तो आती नहीं है, इस पानी में डुबके लेने के लिए। तो एक बेस्ट स्पॉट सा ढूंढ रहा हूँ जिसमें अंदर जाके मैं आराम से थोड़ा सा डिप ले सकूँ पानी में। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट जगह है डिप लेने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा गहरा भी नहीं है और यहाँ पर मैं आराम से एक डिप भी ले सकूँगा। तो कपड़े खोल के इसमें घुस तो गए पानी में, पर अभी ज़्यादा कैमरे में बैटरी नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा, ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा सा डुबके लेते हैं और फिर मैं कैमरे को साइड में रख के थोड़े बहुत अपने मज़े करता हूँ। पानी बहुत ठंडा है, फरवरी का मंथ है। अच्छा लगा। एक बार अंदर डुबकी मार लेते ना तो बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। थोड़ा आगे जाके पानी थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, इससे आगे नहीं जाऊँगा, यहीं पे अच्छा लग रहा है। पानी में कुछ छोटी छोटी फिशेज भी हैं। GoPro को थोड़ा सा सेट करके पानी के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे मैं नहा रहा था और यहाँ पे एक छोटा सा एक वाटरफॉल जैसा भी है, तो मैं सोचा आपको ये भी दिखा देता हूँ। कैमरे में फिर भी मतलब इसका फ्लो बहुत कम लगता है देखने में, पर अब आप अपने आप यहाँ पे आके देखोगे तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मतलब थोड़ा ज़्यादा है कि इसमें आराम से आप नहा भी कर सकते हैं। वैसे कहने को ये एक क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द एशिया है, पर यहाँ पे फिर भी मतलब कई लोग यहाँ पे गंद वगैरह फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पे सामने दारू की बोतलें वगैरह, ये पानी की बोतलें वगैरह सब यहाँ पे आगे पड़े हुए हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं और फिर सामान सारा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो हम भी जब यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे तो हम भी सामान लाए थे, पर हमने वो वाला सामान सारा अपने बैग में रखा है और उसको हम कचरेदान में मतलब कूड़ेदान में डाल के जाएंगे। यहाँ पे पानी में मछलियाँ काफ़ी छोटी छोटी सी हैं। आपको एक बार मछलियाँ दिखा देता हूँ कि मछलियाँ कैसी हैं। तो अब नहाना धोना पूरा हुआ, अब चलता हूँ वापस अपने कैंप के पास। ये आपकी बोट है? हाँ ये आपकी बोट है। मुझे वहाँ तक ले जाने का कितना लोगे? क्या बोट से वहाँ तक उस किनारे तक ले जाने का वो बताएगा? बोट कब आ रहे हैं पीछे? अच्छा वो वहाँ पे वोटिंग होगी? वोटिंग यस या बोट कब आ रहे हैं? ओके इस बोट में नहीं ले जा सकते आप? आप इस बोट में उस वहाँ तक? नहीं नहीं नहीं। तो कल का दिन और आज का दिन यहाँ पे कैंपिंग करके अभी बज रहे हैं 12। तो मैं जा रहा हूँ शिलोंग। तो शिलोंग कैसे जाना है वो मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लंच करूँगा, लंच करने के बाद मैं जा रहा हूँ शिलोंग।
तो ये देखना पड़ेगा शिनम पेडिंग से शिलोंग तक के लिए कैसे जाना पड़ेगा। प्रेफर करूँगा अगर बस मिल जाए तो,